तो फाइनली गाइज मैंने अपने गेम में प्लगइन के ऑप्शन को यूज करके जी वैगन कार को ऐड कर लिया है। एंड गाइज यार जी वैगन कार दिखने में तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और आप इसे अपने गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही भाई मैंने अपने गेम के अंदर न्यू रेलवे स्टेशन को ऐड कर लिया है क्योंकि भाई पुराने वाले में उतना मजा नहीं आता है यार, इसीलिए मैंने अपने गेम के अंदर एक नया बहुत ही तगड़ा रेलवे स्टेशन ऐड कर लिया है। हेलो गाइज वेलकम बैक टू इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ ये तो तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में पता चल ही गया होगा क्योंकि भाई आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने गेम के अंदर जी वैगन कार को कैसे ऐड कर सकते हो, उसके साथ ही तुम अपने गेम के अंदर न्यू रेलवे स्टेशन को कैसे ऐड कर सकते हो। हाँ भाई मैं अपने गेम के अंदर तुम्हें न्यू रेलवे स्टेशन और न्यू जी वैगन कार को भी ऐड करके दिखाऊंगा। और इसके साथ ही भाई हमारे गेम के अंदर जो भी न्यू चीट कोड्स आए हैं जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है सारी आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर मिलने वाली है। एंड गाइस प्लगइन के बाकी कोड से कौन सी चीज हमारे गेम के अंदर ऐड होने वाली है मैं आपको वो भी बताऊंगा आज की इसी वाली वीडियो के अंदर। एंड भाई हमारे गेम के अंदर जो ऑफिशियल अपडेट आता है वो हमें कब देखने को मिलेगा तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई, इसीलिए वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि भाई ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए भाई बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। और साथ ही भाई जिसको भी प्लगइन का ऑप्शन यूज करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई तुम प्लीज वेट लिख करके आई जा रहा है उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब तुम सारे प्रोसेस तो अच्छे तरीके से करते हो लेकिन प्लीज वेट पे रुक जा रहा है उसके आगे कुछ हो नहीं रहा, तो भाई मैं उसका भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए भाई इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हाँ भाई पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तुम्हें पक्का बहुत ही ज्यादा चीजें इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। ये वीडियो इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम की बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि गाइस इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट में क्या क्या ऐड हुआ है। तो भाई तुम लोगों को पता है कि इस वाले अपडेट के अंदर हमारे गेम में सिर्फ और सिर्फ एक नई बस ऐड हुई है और इसके अलावा हमारे गेम के अंदर और भी कुछ भी नहीं ऐड हुआ है। और बाकी तुम लोग ये भी जानना चाहते हो कि भाई जो बाकी कोड्स हैं उससे क्या ऐड होने वाला है, तो दो मिनट रुक जाओ भाई वो भी बताऊंगा। तो गाइस यार हमारे गेम के अंदर एक नया प्लगइन का ऑप्शन आया इसके बारे में तो तुम सबको पता ही है। यार हमारे गेम के इस वाले अपडेट के अंदर इसीलिए सिर्फ एक बस ऐड हुई है, उसके साथ ही भाई सिर्फ एक प्लगइन का ऑप्शन ऐड हुआ है। एंड यार प्लगइन के ऑप्शन को लोग बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे थे इसीलिए भाई उसका जो सर्वर है वो काम करना बंद कर चुका है, तो भाई उसे ऐड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था लेकिन फिर भी रोहित भाई ने उस वाली चीज को अपने गेम के अंदर ऐड की, उसके चक्कर में भाई ये वाला जो अपडेट है ये काफी ज्यादा छोटा था। बट फिर भी गाइस तुम्हारी सबसे डिमांडिंग चीज यानी कि ये वाली बस भाई न्यू बस हमारे गेम के अंदर ऐड हो गई है, तो भाई यार ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। बाकी गाइस अगर आप अपने गेम के अंदर प्लगइन के ऑप्शन को यूज करना चाहते हो, प्लगइन के ऑप्शन से अपने गेम के अंदर तुम एलिफेंट वगैरह को ऐड करना चाहते हो, तो तुम उसे अपने गेम के अंदर कैसे ऐड करोगे बताता हूं। एंड इसके साथ ही भाई तुम लोग की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी जी वैगन कार को लेकर के, तो भाई तुम अपने गेम के अंदर जी वैगन कार को जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जी वैगन कार उसे कैसे ऐड कर सकते हो। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि भाई तुम अपने गेम के अंदर उस वाली जी वैगन कार को कैसे ऐड कर सकते हो, उसके कलर को कैसे चेंज कर सकते हो, भाई काफी सारे फीचर्स तुम्हें उस वाली जी वैगन कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बट उन सारी चीजों से पहले फिलहाल तो मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम इस वाले प्लगइन के ऑप्शन को यूज करके अपने गेम के अंदर एलिफेंट या फिर किसी भी चीज को कैसे ऐड कर सकते हो। तो देखो एलिफेंट या फिर बाकी कोड से जो हमारे गेम के अंदर चीजें ऐड हुई है उसे ऐड करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम का एक प्लगइन वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हां गाइस ये उनका ऑफिशियल ऐप है तो भाई इसे तुम प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर देना, आपको ये वाला ऐप प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी एक एनिमल को सेलेक्ट कर लेना, आपको यहाँ पे एनिमल्स में ढेर सारे एनिमल मिल जाएंगे तो भाई किसी भी एक एनिमल को सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद प्लगइन पे आके इस इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, फिर आपके गेम के अंदर एक ऐड आएगा तो उस वाले ऐड को स्किप कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लीज वेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा प्लीज वेट। तो भाई ये जो प्लीज वेट लिखा आ रहा है ना इसे तुम फिलहाल मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे ये प्लीज वेट क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि गाइस रोहित भाई ने बताया था कि हमारे गेम के अंदर प्लगइन का सर्वर 2 दिन तक ऑफ रहेगा, मतलब आप प्लगइन के ऑप्शन को कल से यूज कर पाओगे, अभी आपका प्लगइन का ऑप्शन काम नहीं करेगा। एंड गाइस इसका रीजन है कि एक ही फाइल को बार बार लोड करने से सर्वर क्रैश हो गया है, भाई तुम स्क्रीन पे देख सकते हो रोहित भाई ने सारी चीजें अपने व्हाट्सएप चैनल पे बताई थी, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई फिलहाल के लिए जो सर्वर है वो क्रैश है तो अभी तुम अपने गेम के अंदर उन सारी चीजों को ऐड नहीं कर पाओगे। और गाइस जैसे हमारे गेम के अंदर ये वाली चीजें फिक्स हो जाएंगी तो तुम फिर उसके बाद अपने गेम के अंदर सारी चीजों को इजिली ऐड कर पाओगे। बट फिलहाल गाइस तुम सबने देखा कि इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D प्लगइन ऐप का जो सर्वर है वो यहाँ पे क्रैश हो चुका है, वो वहाँ पे ऑफ है, तो भाई जब तक सर्वर ऑफ है तब तक तुम उसका यूज नहीं कर पाओगे, बट जैसे ही सर्वर सही होता है तो तुम अपने गेम के अंदर इन सारी चीजों को इजिली तुरंत ऐड कर लोगे भाई, बस सारे स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना जैसे मैंने तुम्हें बताया। पहले प्लगइन ऐप को डाउनलोड करना, इंटरनेट को ऑन करना, उसके बाद ऐप के अंदर जाना, वहां से सेलेक्ट करना फाइल को, फिर इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम को ओपन कर लेना, फिर प्लगइन ऑप्शन में जाके इंस्टॉल कर देना, तुम्हारे यहाँ पे ऐड आएगा, उसके बाद वहां पे प्लीज वेट लिखा आएगा, फिर थोड़ी देर वेट करोगे तो वहां पे फाइल लोड लिखा आ जाएगा। और जिन लोगों ने अपने गेम के अंदर इन सारी चीजों को पहले से ही ऐड करके रखा है, हाँ भाई जिन लोगों ने इस वाले प्लगइन के ऑप्शन से पहले भी या फिर अभी जो प्लगइन का ऑप्शन आया था उससे ऐड किया है, तो यार तुम लोगों को इस वाली चीज से कोई भी दिक्कत नहीं, अगर तुमने पहले से अपने गेम के अंदर इन सारी चीजों को ऐड किया है तो भाई तुम्हारे गेम के अंदर अभी वो सारी चीजें रहेंगी और अभी तुम उनका यूज कर पाओगे। जैसा कि तुम देख सकते हो कि जैसे मैं अपने गेम के अंदर KGF बाइक वगैरह इन सारी चीजों को यूज कर पा रहा हूँ, तो वैसे ही भाई तुम भी अपने गेम के अंदर अगर तुमने पहले से ऐड करके रखा है तो भाई तुम भी यूज कर पाओगे। बाकी गाइस अब बात कर लेते हैं कि हमारे गेम का जो न्यू अपडेट है, जो हमारे गेम में बड़ा वाला अपडेट आता है, ऑफिशियल अपडेट आता है, वो हमें कब देखने को मिलेगा। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे गेम के अंदर एक नया अपडेट आया था जिसके अंदर हमें ये वाली सामने जो बस खड़ी है ये वाली बस देखने को मिली थी, एंड उस वाले अपडेट के अंदर एक और फीचर आया था प्लगइन का, तो उसके बारे में तो मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। तो अभी तो हमारे गेम के अंदर एक अपडेट आया ही है जिसके अंदर ये
सारी चीजें ऐड हुई हैं, बट जो सेकंड अपडेट है वो हमें कब देखने को मिलेगा? तो भाई वो वाला अपडेट हमें देखने को मिलेगा भाई 1 से 2 वीक के अंदर। हाँ गाइस, क्योंकि अभी जल्दी हमारे गेम के अंदर एक अपडेट आया था, तो भाई इतनी जल्दी दूसरा अपडेट तो नहीं आएगा, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि वो वाला जो अपडेट है भाई वो आपको 1 से 2 वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि फिलहाल तो भाई प्लगइन के ऑप्शन के सर्वर को ही ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा भाई उसमें मेहनत लगने वाली है, तो इतनी जल्दी तो गाइज आपको न्यू अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, बट वो वाला जो अपडेट है वो आपको 1 से 2 वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसे ही भाई वो वाला अपडेट आता है मैं उसकी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हाँ गाइज, आपको इस वाले चैनल के ऊपर न्यू अपडेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड भाई मिलती रहेंगी, तो इसलिए भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। बाकी गाइज, अगर आपने गेम के अंदर जी वैगन कार को ऐड करवाना चाहते हो तो भाई तुम इस वाली वीडियो पे 500 लाइक्स का एम है, तो भाई 500 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। और अगर गाइज इस वाली वीडियो पे 100 कमेंट्स आते हैं जी वैगन कार को लेकर के कि भाई हमारे गेम के अंदर जी वैगन कार ऐड होनी चाहिए, तो भाई मैं कोशिश करूंगा कि हमारे गेम के अंदर न्यू जी वैगन कार ऐड हो जाए। तो भाई अगर इस वाली वीडियो पे तुम 100 कमेंट्स करते हो एंड भाई 500 लाइक्स का एम कंप्लीट करवा देते हो, तो गाइज फिर तुम्हें अपडेट के अंदर डेफिनेटली न्यू वाली जी वैगन कार देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइज फिलहाल तुम देख सकते हो कि ये वाला स्टेशन कितनी ज्यादा अच्छा है भाई, कितनी डिटेलिंग का काम किया गया इस वाले स्टेशन के ऊपर। गाइज इस वाले रेलवे स्टेशन पे एक एक डिटेल का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है भाई, कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया है। अब तुम लोग ये भी सोच रहे होगे कि भाई इतनी डिटेल में इसे बनाया किसने है? तो भाई इसे किसी और ने नहीं बनाया, हमारी ही कम्युनिटी के प्लेयर मैक्स भाई ने बनाया। जी हाँ गाइज, इस वाले स्टेशन को बनाने की पूरी मेहनत उन्हीं की है, तो भाई इस वाली वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, बिकॉज गाइज ऐसी चीजें बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है एंड भाई ने इतनी ज्यादा मेहनत करके इसे बनाया है, तो भाई इसीलिए इस वाली वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बट कोई ना गाइज, भाई ने इतनी मेहनत की और भाई इतनी अच्छी चीज हमें ला करके दी है, मतलब इतनी मेहनत के बाद हमें इतना अच्छा रेलवे स्टेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भाई काफी ज्यादा अच्छी बात है। आप देख सकते हो कि भाई इस वाले स्टेशन पे जो रेलवे ट्रैक है भाई उसके बगल बगल में आपको वॉल्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी यार राइट साइड में ये क्या है, एक बार चल के देखना चाहिए, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रेस्ट एरिया है। बाकी एग्जैक्टली किस काम के लिए इसे बनाया गया है भाई ये तो प्लेयर मैक्स भाई को ही पता है, तो भाई अगर तुम जानना चाहते हो भाई ये किस लिए बनाया गया है, तो मैं उनकी फुल वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो कि इस वाली चीज को कैसे बनाया गया है, इस स्टेशन के पूरे प्रोसेस को आप उस वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो, मैं आपको उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी गाइस जी वैगन कार को डिजाइन किया है हर्षिन गेम भाई को, तो भाई उसका क्रेडिट जाता है हर्षिन गेम भाई को। बाकी यार ये वाला स्टेशन यहाँ पे एंड नहीं है, मतलब आगे भी है। ओ अच्छा, रेलवे स्टेशन मेन तो आगे ही है भाई, फिलहाल यहाँ पे रेस्ट एरिया कुछ बना के रखा है, मतलब वेट करने के लिए, क्या है वो मुझे नहीं पता। बट गाइस इस वाले रेलवे स्टेशन को बनाने में भाई ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की एंड भाई बहुत ही डिटेलिंग का ध्यान रखते हुए इस वाले स्टेशन को बनाया है, और भाई इसी की वजह से ये हमें इतना ज्यादा पसंद भी आ रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई हम अपने स्टेशन के पास बस पहुंच ही गए, तो भाई यहाँ पे राइट साइड में काफी सारी चीजें पेड़ पौधे सब कुछ लगाए गए हैं जो की काफी ज्यादा तगड़ा है, एंड भाई यहाँ पे स्टेयर्स भी लग रहा है मुझे। ओ गाइस ये तो इन्होंने बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो ये बहुत ही तगड़ा है, वेटिंग एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है एंड भाई कितने अच्छे तरीके से बनाया है यार। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे पेड़ पौधे का भी भाई फुल ध्यान रखा गया है, ट्रीज वगैरह सब कुछ यहाँ पे, प्लांट्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड यार फ्लोरिंग वगैरह भी काफी अच्छे से की गई है एंड भाई यही सेम चीज आपको इसके अपोजिट साइड में भी देखने को मिल जाती है, एंड वॉल वगैरह लगा के इसको अच्छे तरीके से कवर भी किया गया है, तो भाई ये वाला प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा तगड़ा है। आपको यहाँ पे डस्टबिन वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लाइट्स भी है, मतलब रात के टाइम पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो भाई लाइट्स वगैरह जलेंगी, तो आपको उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और सामने आप देख सकते हो भाई राइट एंड लेफ्ट साइड में दोनों साइड में यहाँ पे स्टेयर्स दी हुई है, तो भाई फुल डिटेल का ध्यान रखते हुए भाई इस वाली चीज को बनाया गया, इस वाले स्टेशन को बनाया गया है। बाकी अगर आप में से कोई भी भाई इस वाले स्टेशन को अपने गेम के अंदर ऐड करना चाहता है, तो भाई इस वाले स्टेशन का फाइल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से इस वाले फाइल के लिंक को कॉपी कर लेना, उसके बाद भाई तुम अपने आरजीएस टूल में जाना, सॉरी आरजीएस टूल मैंने इंटरनेट मोड वाले ऑप्शन के अंदर जाना एंड वहां से मोड फाइल के अंदर जाकर के भाई तुम भी अपने गेम के अंदर इस वाले रेलवे स्टेशन को ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है तो तुम्हें पता ही है भाई, बहुत बार बता चुका हूं मैं और बहुत से यूट्यूबर्स भी बता चुके हैं। तो गाइस रेलवे स्टेशन को कैसे अपने गेम के अंदर ऐड करना है भाई इतना तो आपको पता ही होगा। बाकी गाइस आप ऊपर वाले एरिया को भी देख सकते हो भाई, फुल स्टेशन वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये अलग स्टेशन है या फिर इसको मॉडिफाई किया गया, भाई खुद से बनाया उन्होंने एक एक चीज को। और यार तुम लोग तो देख ही पा रहे हो कि काफी ज्यादा कमाल का स्टेशन है, तो भाई तुम्हें अपने गेम के अंदर अगर इस वाले स्टेशन को ऐड करना है तो तुम्हें क्या करना है मैंने तुम्हें बताई दिया है, तो उन सारी चीजों को फॉलो करके तुम भी अपने गेम के अंदर इस वाले रेलवे स्टेशन को ऐड कर लेना। और फाइल के लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, तुम्हें फाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइस अब बात कर लेते हैं कि जो बाकी के कोड्स हमारे गेम के अंदर बचे हुए हैं। हाँ भाई बाकी कोड्स जितने भी बचे हुए हैं, मतलब 6 तक कोड्स तो हमारे गेम के अंदर रिवील हो चुके हैं, बट बाकी के जो 14 कोड्स बचे हुए हैं उन कोड से हमारे गेम के अंदर क्या ऐड होने वाला है। हाँ गाइस तुम लोगों को तो पता है कि हमारे गेम के अंदर लैम्बोर्गिनी टायर, जो केजीएफ बाइक, इन सारी चीजों को यूज करने के बाद, इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद जो बाकी के कोड्स थे वो तो यहाँ पे यूज हो चुके हैं, बट फिलहाल अभी के टाइम पे 16 कोड्स तो बचे हुए हैं, तो भाई उन 16 कोड से हमारे गेम के अंदर क्या ऐड होने वाला है। तो देखो फिलहाल तो हमारे गेम के अंदर भाई एनिमल्स ही ऐड होते जा रहे थे, उसके बाद अभी को जाकर के एक बस को ऐड किया गया है, बट भाई वो उन वाले कोड से ऐड नहीं किया गया है, बस को तो हमारे गेम के अंदर इनबिल्ट ऐड किया गया है, तो भाई उसको साइड हटाते हैं फिलहाल। तो फिलहाल तो भाई हमारे गेम के अंदर उन कोड्स के जरिए सिर्फ एनिमल्स ही ऐड हो रहे हैं। और भाई नेक्स्ट चीज आपको जो आपको देखने को मिलेगी, नेक्स्ट कोड जो आपको देखने को मिलेगा भाई वो भी एनिमल का ही मिलेगा, और वो भी किस एनिमल का मिलेगा भाई, वो मिलेगा आपको हिप्पो का। हाँ गाइस आपको नेक्स्ट कोड हिप्पो का देखने को मिल सकता है, मैं ये पूरा कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई हिप्पो ही होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम भाई मैक्सिमम चांस ये है कि आपको हिप्पो देखने को मिलेगा। जी
हाँ गाइज, आपको नेक्स्ट कोड यानी कि 7 से अपने गेम के अंदर न्यू हिप्पो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपने गेम के अंदर भाई जी वैगन कार की ज्यादा डिमांड करते हो तो भाई 7 कार जी वैगन 7 कोड जो है वो जी वैगन कार का होगा। हाँ भाई, अगर आपकी डिमांड जी वैगन कार को लेकर के ज्यादा रहती है तो भाई हो सकता है कि हमारे गेम का जो 7th कोड है भाई वो जी वैगन कार का ही हो। तो इसीलिए भाई मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि हमारे गेम के अंदर न्यू जी वैगन कार ऐड हो तो भाई न्यू जी वैगन कार को अपने गेम के अंदर ऐड करने के लिए आपको कमेंट करना होगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे भाई जो कमेंट ज्यादा रहेगा, मतलब अगर आपने इस वाली वीडियो पे 100 कमेंट कर दिया कि भाई हमारे गेम में जी वैगन कार ऐड होनी चाहिए तो भाई डेफिनेटली हमारे गेम के अंदर जी वैगन कार ऐड होगी। तो भाई तुम सोच लो, अगर एक एक बंदा भी कमेंट करता है जी वैगन तो भाई तुम्हारे गेम के अंदर तुम्हें जी वैगन कार देखने को मिल जाएगी। तो बाकी अगर तुम चाहते हो कि जी वैगन कार ऐड हो तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, तो भाई मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को जी वैगन कार चाहिए। तो इसीलिए भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है जी वैगन कार, तो डेफिनेटली हमारे गेम के अंदर जी वैगन कार देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी आप लोग सोच रहे होगे कि भाई मैं वापस कहां जा रहा हूं, तो भाई मैं जा रहा हूं वापस स्टेशन के पास, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि भाई आप इसका यूज करके, इस वाली ट्रेन का यूज करके कैसे स्टेशन पे जा सकते हो। हां भाई, आपको इस वाली ट्रेन को थोड़ी देर तक भाई चलाते रहोगे, जैसे तुम थोड़ी देर तक चलाओगे तो भाई तुम पहुंच जाओगे उस वाले स्टेशन के पास, और बाकी तुमको तो रास्ता पता ही है कि कैसे जाना है वहां पे। तो भाई तुम थोड़ी देर तक इस वाले ट्रेन को चलाओगे और भाई तुम भी पहुंच जाओगे नेक्स्ट वाले स्टेशन पे, यानी कि जो नया स्टेशन हमने अपने गेम के अंदर ऐड किया है, तो भाई उस वाले स्टेशन पे तुम पहुंच जाओगे। और जिन भी लोगों को भाई वो वाला स्टेशन पसंद आया तो भाई उसके नाम पे भाई इस वाली वीडियो को लाइक करना। अगर आपको स्टेशन पसंद आया तो भाई इसी बात पे इस वाली वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आप अपने गेम के अंदर इस वाले स्टेशन को ऐड करना चाहते हो तो भाई उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप इसे ऐड करना चाहते हो तो भाई लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसे ऐड कर लेना। और भाई इसे अपने गेम के अंदर कैसे ऐड करना है वो तो तुम्हें पता ही है, वो बताने की तो कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही, मैंने आपको न्यू अपडेट की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको न्यू स्टेशन को कैसे ऐड करना है ये बता दिया, उसका लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैंने काफी सारी चीजें मिलकर कवर की है भाई हम लोगों ने। बाकी अगर तुम चाहते हो भाई जी वैगन कार ऐड हो तो तुम्हें पता ही है, कमेंट करना है तो भाई कमेंट कर देना, तो जी वैगन कार की भी जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। बाकी मैंने आपको एक बहुत ही तगड़ा स्टेशन भी बता दिया, तो भाई ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, हमारे 20,000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। बाकी इस वाली वीडियो पे 500 लाइक्स का है तो भाई 500 लाइक्स कंप्लीट करवा देना, एंड भाई 100 कमेंट करवाते हो तो भाई हमारे गेम जी वैगन कार भी ऐड हो जाएगी, और भाई न्यू वाला अपडेट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा भाई मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए भाई आप सभी अपना ध्यान रखना।